तो एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत है अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर अमित केसरवानी आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोवर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और हायर एजुकेशन में कॉमन यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत संविधान से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके तहत मैं आज आपको संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्णित कुछ अधिकारों की विषय में चर्चा करूंगा। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने कई प्रकार के अधिकारों का चर्चा किया। आज जो पांचवा अधिकार, जो मूल अधिकार में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उस पर चर्चा करूंगा। तो संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30 और आर्टिकल नंबर 31 में। ये अधिकार बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये विशेष रूप से भारत के विभाजन के उपरांत भारत में प्रमुख रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए निर्मित किया गया था। तो सबसे पहली बात, इन अधिकारों पर जब चर्चा हुआ संविधान सभा में, तो इस पर कहा गया कि भारत में अब विभाजन हो चुका है। विभाजन होने के बाद भी भारत में कुछ ऐसे समुदाय जो नवनिर्मित राष्ट्र पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान, वर्तमान का बांग्लादेश और पाकिस्तान में नहीं गए और भारत में ही रहना चाहते हैं, तो ऐसे में उन अल्पसंख्यक वर्गों के लिए क्या किया जाए, उन अल्पसंख्यक वर्गों के लिए क्या व्यवस्था की जाए। इसके अलावा बहुत से अन्य समुदाय से अल्पसंख्यक वर्ग, जैसे सिख समुदाय से अल्पसंख्यक वर्ग, जैनी समुदाय से अल्पसंख्यक वर्ग, इस अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान संविधान में होना चाहिए। लेकिन पहला प्रश्न यह उठता है कि राइट टू इक्वलिटी के तहत धर्म, लिंग, जात, प्रजाति, किसी भी आधार पर जब भेदभाव का वर्णन नहीं है, तो विशेष सुविधा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए क्यों रखी जाए, इस पर बहस हुआ संविधान सभा में। तो संविधान सभा में इस मुद्दे को काफी चर्चा का मुद्दा बना रहा, यह आर्टिकल नंबर 29 और 30 सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा रहा, क्योंकि ये प्रश्न उठ रहा था कि क्या जरूरत है अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष सुविधा देने की जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं। तो देखिए, इक्वलिटी की बात जरूर की जा सकती है, लेकिन जब बहुलवाद वाला राष्ट्र हो, भारत जैसे बहुलवादी राष्ट्र जहां पर बहुत से विचारधारा के लोग रहते हैं, तो इसमें सबको बराबरी तभी मिल सकती है जब कमजोर उपेक्षित अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष सुविधा दी जाए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाए, अल्पसंख्यक वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाए, तभी हम इस बहुलवादी विचारधारा और बहुल समुदाय से जुड़े हुए राष्ट्र में एकता की बात की पैरोकारी कर सकते हैं। तो एकता मजबूती से तभी बनेगी जब सभी वर्गों का बराबर से विकास संभव हो सकेगा, नहीं कोई वर्ग अगर उपेक्षित रह जाएगा तो भारत के संपूर्ण लोकतांत्रिक स्वरूप से विकास संभव नहीं हो पाएगा। सभी नागरिकों का विकास तभी संभव है जब सभी को समानता के साथ सभी के विकास को लाया जा सके। इस दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक वर्गों की संरक्षण की बात रखी गई और आर्टिकल नंबर 29 बनाया गया। आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है कि भारत में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की जाए। पहला प्रश्न बनता है, अल्पसंख्यक वर्ग हैं कौन, हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग किसको माना जाएगा।
तो संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग जो है देश की कुल जनसंख्या का 10% जो समुदाय है उस 10% या 10% की कम लोगों की संख्या पर आधारित समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा जाएगा। इसके दृष्टिकोण से 10% के अंतर्गत जो समुदाय आएंगे उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग में रखा जाएगा और इसमें उस समय के अनुसार मुस्लिम, सिख, पारसी, चैनी ये सभी समुदाय आए और इनके हितों का संरक्षण। अब हितों का संरक्षण क्यों? हितों का संरक्षण इसलिए क्योंकि भारत में हम यह बात कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब है किसी धर्म को दो अर्थ निकलेगा, मैं पुनः बताना चाहूंगा, भारतीय संदर्भ में अलग अर्थ है और पाश्चात्य संदर्भ में अलग। पाश्चात्य संदर्भ में है किसी धर्म को ना मानना, भारतीय संदर्भ में है किसी धर्म विशेष की ओर ना झुकना, अर्थात सभी धर्म को समान रूप से मानना। अब फिर से सुनिएगा, पाश्चात्य संदर्भ में किसी धर्म को ना मानना, भारतीय संदर्भ में सभी धर्म को समान रूप से मानना। यानी इस दृष्टिकोण से भारतीय संदर्भ में हम सभी धर्म को मान रहे हैं, यानी धर्म को आश्रय दे रहे हैं, धर्म को आश्रय दिया जा रहा है, और पाश्चात्य संदर्भ में धर्म को आश्रय ना दिया जाना है। अब जब हम धर्म को आश्रय देते हैं तो हम इस दृष्टिकोण से सभी धर्मों के विकास, सभी धर्मों के हितों के संरक्षण की बात करते हैं और फिर उन धर्म को मानने वाले वर्ग के भी विकास और हितों के संरक्षण की बात हो जाएगी। अब इस दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक वर्ग उनके हितों के संरक्षण के लिए आर्टिकल नंबर 29 बनाया गया। इसके तहत देश सरकार ऐसे प्रावधान ला सकती है जिससे किसी विशेष अल्पसंख्यक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनके हितों के अनुरक्षण के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए, उनके विकास के दृष्टिकोण से बहुत से विचारधाराएं, बहुत से कानून बनाए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 29 ये विशेष प्रावधान बनाया गया अल्पसंख्यक वर्गों। इसी के साथ जुड़ा था आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक वर्गों को देश में यह अधिकार होगा कि वो अपने वर्ग विशेष के दृष्टिकोण से, अपने वर्ग विकास के दृष्टिकोण से, अपने धर्म विकास के दृष्टिकोण से, विभिन्न आयामों के दृष्टिकोण से वो अपने अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे वो सिख हो, पारसी हो, जैनी हो, इस्लाम का हो, वो अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना रख सकता है और प्रशासन कर सकता है, उसे पूर्ण अधिकार दिया जाता है। इस अधिकार के साथ सभी वर्ग का समानता से विकास होगा, सभी धर्म का समानता से विकास होगा, क्योंकि धर्म को आश्रय दिया गया है बराबरी के साथ। इसलिए सभी वर्ग, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग भी आता है, को अपने शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और उसे प्रशासन करने का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया। अब अनुच्छेद 31 की बात करें तो जनरली ये जो आर्टिकल है ये अब संविधान से अलग कर दिया गया, इसे निरसित कर दिया गया, निकाल दिया गया। इसका मूल रूप से संबंध अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं है, लेकिन इसका विशेष स्थान देश के विकास में जरूर है। संविधान के निर्माण के समय आर्टिकल नंबर 31 जो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन है, इसको कहा जाए तो मूल अधिकारों के अंतर्गत संकलित किया गया था और इस प्रकार से मूल अधिकारों की संख्या 7 बनाई गई थी। लेकिन आगे चल के मूल अधिकारों में से इस मूल अधिकार को निरसित कर दिया। कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। ध्यान रखिएगा, जब हम 44 की बात बोलते हैं तो 78, जब हम 42 की बात बोलते तो 76। इसको याद रखने के लिए फॉर्मूला भी बताया था, 4+2 यानी 42 यानी 6, तो 1976, 4+4 यानी 8,
जिसको हम 78 यानी 78 के साथ देखेंगे। तो 1978 में 78 में इस संविधान के इस मूल अधिकार यानी सातवें मूल अधिकार को हटा दिया गया, और इस मूल अधिकार के हटने के साथ ही संविधान में 6 मूल अधिकार शेष रह गए। क्या थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन इसके साथ ही हटा दिया गया संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। क्यों हटाया गया, क्या जरूरत पड़ी? देखिए, यह बात सत्य है कि देश में सभी को छूट है कि उनके द्वारा गाढ़ी कमाई से, मेहनत से अर्जित की गई संपत्ति उनकी है, उस संपत्ति को संरक्षित कर सकते हैं, उस संपत्ति को वो जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं। लोग यानी देश के सभी लोग अपनी मेहनत से अपनी संपत्ति का प्रयोग कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, हस्तांतरित है उसको सुरक्षित कर सकते हैं, उनकी संपत्ति उनसे किसी से छीनी नहीं जाएगी। इसे मूल अधिकार में रख दिया गया ताकि कल कोई जबरदस्ती, कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र, कोई देश की कोई सरकार किसी व्यक्ति से उसके मूल अधिकारों को हनन करने के दृष्टिकोण से उसकी संपत्ति को अनावश्यक जबरदस्ती दबाव के साथ अवैध रूप से कब्जा न कर ले। आपने अपनी संपत्ति का अर्जन किया हो या आप अपनी संपत्ति को हस्तांतरित रूप से पाए हो, पूर्वजों से उसे आपने प्राप्त किया हो, अर्जित किया हो या आपको हस्तांतरित हुई हो, वह संपत्ति आपकी है, अक्षुण है, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन आगे चल के देखा गया कि इस अधिकार के तहत, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। देश में विकास की विभिन्न क्रियाओं में आर्टिकल नंबर 31 एक बाधा के रूप में सामने आया था। एक डैम बन रहा है, वो डैम बनने से कई एक प्रदेशों में बिजली की व्यवस्था होगी, बिजली प्रॉपर रूप से सभी प्रदेशों को मिलेगा, हजारों लाखों भारतवासियों का लाभ होगा, हजारों लाखों भारतवासियों को सुविधाएं होंगी, देश का विकास होगा, देश की क्रॉस सकल डेवलपमेंट जिसको कहा जाए में अच्छी आमदनी होगी, डेवलपमेंट होगा, जीडीपी में डेवलपमेंट होगा, क्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट में डेवलपमेंट होगा, सभी कुछ सही है। परंतु उस डैम को बनने में रोड़ा आ गया, उस डैम से जहां बन रहा है वहां पर किसी व्यक्ति या किसी नवाब या किसी रियासत की कोई भूमि आ गई। अब उन्होंने कह दिया कि साहब ये भूमि, ये रियासत मेरे क्षेत्राधिकार में आता है, ये भूमि मेरी है, इस भूमि को मैं किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मूल अधिकार है, इस भूमि का उपभोग मैं नहीं करने दूंगा किसी को, क्योंकि इस भूमि पे मेरी इमोशंस जुड़े हैं, मेरे दादा परदादाओं का भावनाओं से मैंने अपने पूरे जीवन को यहाँ बिताया है, अतः ये भूमि मुझसे बड़ा दिल से जुड़ा हुआ स्थान है, और ये भूमि में किसी भी कीमत पर ना ही किसी सरकार को, ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार या किसी भी विकास कार्यों में नहीं दूंगा। भले ही इससे देश के हजारों लाखों या देश का व्यक्तिगत रूप से काफी नुकसान हो जाए, देश का नुकसान से हमसे मतलब नहीं। अब इस दृष्टिकोण से देखा गया कि इस प्रकार से किसी भी विकास कार्य में किसी व्यक्ति की या किसी समुदाय की कोई भूमि आ जाती है तो वो बाधा हो जाता है, विकास कार्य वहीं रुक जाता है। सरकारें कोर्ट पहुंची, कोर्ट में कहा गया कि भाई देखिए ये डैम बनाया जा रहा है, इस डैम के विकास होने से राष्ट्र का बड़ा विकास होगा, और बड़े हित में देखा जाए तो एक व्यक्ति के हित के ज्यादा महत्वपूर्ण देश थे, भारत के लोगों का हित है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, हाँ, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो मूल अधिकार है, मूल अधिकार अक्षुण रहेंगे, मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, और मूल अधिकारों का संरक्षक हूं मैं तो वैसे संविधान का ही संरक्षक हूं, इस दृष्टिकोण से मूल अधिकारों में हनन संभव नहीं है, और यह संपत्ति इस व्यक्ति विशेष, इस समुदाय की है, और इसका
इसका मालिक ये है, स्वामी ये है, जिसे सरकार या कोई भी राष्ट्र या कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार अधिकार में नहीं ले सकती। अतः विकास का कार्य हो या ना हो, मूल अधिकारों के तहत आने वाले इन तत्वों के तहत संपत्ति का अधिकार होने के वजह से इस व्यक्ति विशेष का अधिकार है। और इस प्रकार सरकार या राष्ट्र या राज्य सरकार किसी भी विकास कार्य को करने चली तो इस प्रकार से लोगों की संपत्ति बाधा आने लगी। एक और एग्जाम्पल सपोज करिए, इलाहाबाद में एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, एक बाईपास बनाने की योजना बनी। बाईपास सिविल लाइन की मेजर क्षेत्र से होकर जाएगा, जिससे कि काफी विकास हो सके। और इसके बाईपास बन जाने से हजारों किलोमीटर का रास्ता सफर तीव्र हो जाएगा, जिससे ना ही सिर्फ इलाहाबाद बल्कि सभी क्षेत्रों का बड़ा विकास हो सकेगा। सब यहां समस्या आई कि साहब मेरी तो यहां पर भूमि है, बाईपास मेरे घर से होकर जा रहा है, मैं नहीं बनने दूंगा, कोर्ट चला जाऊंगा। बाईपास बने ना बने पर या मकान या घर ये मेरा है और यहाँ पे मैंने 200 वर्षों से मेरे दादा बाबा रहते थे और यहाँ मेरे इमोशंस जुड़े हैं, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा मंदिर है, मैंने पूजा स्थल है और मैं यहाँ जीते जिंदगी इस चीज को, अपनी संपत्ति को नहीं लूंगा। तो राष्ट्र के विकास में हर प्रकार से संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन एक बाधक सिद्ध होने लगा। काफी बड़े पैमाने पर यह बाधक होने लगा। तब देश के प्रथम प्रधानमंत्री सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन बिल पास कराते, जिसके तहत इस अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर लीगल राइट में रख दिया गया। लीगल वैधानिक अधिकार यानी विधि सम्मत रूप से यह देखा जाएगा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अनाधिकृत रूप से किसी व्यक्ति विशेष का अनाधिकृत रूप से, इसमें विधिक है यानी व्यक्तियों के संबंध में है, लेकिन अगर राज्य देश के हित के दृष्टिकोण से होगा तो वो विधिक नहीं हो जाएगा, तब वो संवैधानिक रूप से देखा जाएगा। संविधान के अनुरूप मूल अधिकार नहीं है, अतः उस संपत्ति पर उचित मुआवजा या बिना मुआवजा जैसा सरकार सही समझे उसके अकॉर्डिंग उस संपत्ति को अधिकृत किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 31 कितना महत्वपूर्ण था। ये मान लीजिए कि जब संविधान सभा में बैठकें हुई, संविधान सभा में इस मूल अधिकार को रखा गया, संविधान सभा में देश के नागरिकों को इस मूल अधिकार को दिया गया, तो शायद उन्होंने इतनी दूर की नहीं सोची, उनकी गलती कह सकते हैं जो इसको मूल अधिकार में रखा। लेकिन संविधान लचीला है। संविधान की विशेषता यह है कि यह लचीला है, इसमें अमेंडमेंट संभव है और इसलिए इसमें अमेंडमेंट किया गया और संविधान में बदलाव लाया गया 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे निर्दिष्ट कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अभी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तीन अधिकारों का वर्णन किया। आर्टिकल नंबर 29 पुनः कहूंगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 39 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और आर्टिकल नंबर 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, जिसे निरसित कर दिया गया। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो इसे कमेंट करिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।